नीलगिरी की सैर। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग पहाड़ियों में घूमने निकल जाते हैं। हमारे इस सुंदर देश भारत में तो अनेक खूबसूरत पहाड़ियां हैं। चलो हम भी घूमें दक्षिण भारत की मशहूर पहाड़ियों में। अरे जल्दी अपना सामान बांध लो रेवती, स्टेशन चलना है। ओ दीदी बस तैयार हूँ, हम ऊद का मंडलम जा रहे हैं। दीदी ये नाम छोटा नहीं कर सकते। अरे बहना, ये शहर अंग्रेजों के समय ऊटी के नाम से मशहूर था और अंग्रेज मैदानी शहर की गर्मी से बचकर ऊटी में ही रहते थे। हाँ सुधा मौसी ने बताया था कि ऊद का मंडलम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ों में स्थित है और इस पहाड़ी स्थल को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अरे वो देखो छोटी ट्रेन, यही तो नीलगिरी एक्सप्रेस है, इसे ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस भी कहते हैं। चलो चलो जल्दी बैठते हैं ट्रेन में। देखो देखो खिड़की से बाहर झांककर देखो, अरे इंजन डिब्बों को पीछे से धक्का मार रहा है। ये रेल यहाँ का खास आकर्षण है, ये नीलगिरी के पहाड़ों में चलती है, इसका इंजन पीछे से धक्का देता है, आगे से नहीं खींचता। गुजरने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई है। हाँ दीदी कितना सुंदर दृश्य है इन पहाड़ों का, हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। देखो तो नीचे कितनी गहरी खाई नजर आ रही है। हाँ ये तो बहुत गहरी खाई है। हाँ मुझे तो डर लग रहा है। और ये पेड़ तो देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना। अरे अब तो ये ट्रेन सुरंग के अंदर जा रही है। क्या आप पहली बार ऊद कमंडलम जा रहे हैं? जी हाँ। आप कौन हैं? मैं ऊद कमंडलम का निवासी हूँ। मेरा नाम बेलू है और ये मेरा बेटा है। मेरा नाम गोविंद है। और मैं हूँ सुनीता और ये मेरी छोटी बहन रेवती। क्या आप हमें यहाँ के बारे में बताएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चों, जरूर बताऊँगा। इन पहाड़ों की विशेष बात तो ये है कि यहाँ के ऊंचे सफेद पेड़ एक खास तरह के हैं, जिनके पत्ते हरे होते हुए भी दूर से नीले से लगते हैं। इन पहाड़ों पर कुदरत का एक और चमत्कार है,
जिन्हें कहते हैं नीले कुरंजी के फूल। ये फूल 12 साल में एक बार खिलते हैं। अच्छा? हाँ, जिनसे पूरे पहाड़ों में एक नीली छटा छा जाती है। तो क्या इसीलिए इन पहाड़ों को नीलगिरी के पहाड़ कहते हैं? हाँ दीदी, इसीलिए तो इस ट्रेन का नाम भी नीलगिरी एक्सप्रेस है। वो देखो दीदी, अब हम चाय बागान के बीच से जा रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ पहाड़ों की दलान में चाय के बाग हैं। ये नीलगिरी की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है। अरे, ये तो केटी स्टेशन आ गया। हाँ, पता है, यहाँ तो एक बहुत बड़ा सुई उद्योग है। यहाँ की बनी हुई सिलाई की सुइयाँ विदेशों में भी भेजी जाती हैं। अच्छा? वाह, यहाँ का मौसम, यहाँ की सुंदरता और ये छोटी सी रेल का सफर सचमुच कितना अच्छा लग रहा है। एक जगह में इतनी सारी खूबियाँ। अरे लो, ये आ गया उदगमंडलम। गोविंद भैया, आपसे बातें सुनकर बहुत मजा आया। आपने तो हमारा सफर और भी मनोरंजक बना दिया। चलो चलो, अब जल्दी उतरते हैं। चलो बच्चों, जल्दी करो। चावल ध्यान से बेटा, ध्यान से। नीलगिरी की छोटी रेल पहाड़ों से है इसका मेल। नीलगिरी की छोटी रेल पहाड़ों से है इसका मेल। कुरंजी के ये फूल दिखाए, बागों की भी सैर कराए। कुन्नूर स्टेशन बड़ा निराला, यहाँ इंजन में पानी डाला। वेलिंगटन आया, केटी आया, केटी की सुइयों ने नाम कमाया। उदगमंडलम पहुंच गए हम, हुआ हमारा सफर खत्म। उदगमंडलम पहुंच गए हम, हुआ हमारा सफर खत्म। हुआ हमारा सफर खत्म, हुआ हमारा सफर खत्म। नीलगिरी की सैर। सच्चा मित्र एक पौधा राजू का, अपना अपना घर, नदी, झरना और नीलगिरी की सैर। आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख रेणु चौहान, विजय लक्ष्मी, गिरिजा रानी अस्थाना और शशि जैन, कलाकार मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, अनन्या, के एस पवार, सुनीति कोहली, बी आर एल सक्सेना, सुषमा कौशिक, सुनील लोहिया, नेहा शर्मा, जैमिनी कुमार, राम मैनी, बी एल टंडन, सविता बजाज, गीता वर्मा, सिद्धार्थ, पल्लवी, प्रिया और दिनेश वर्मा, संगीत विनोद शर्मा और राकेश पंडित, गायन प्रियंबदा वशिष्ठ, भूपेंद्र प्रभाकर, सिमरन कपूर और अजीत होरो, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन, दाऊदयाल चतुर्वेदी, सरवन सिंह और सिमी कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर और दाऊदयाल चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किए गए हैं।